नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, बोला फिल्म का प्रमोशन इतने जबरदस्त तरीके से, इतने यूनिक तरीके से किया जा रहा है। मैंने आपको दो वीडियो इसके बारे में बनाए और पहले ही मैंने आपको जानकारी दे दी थी कि इस तरीके से प्रमोशन होने वाला है और ये प्रमोशन अपने आप में यूनिक है, अद्भुत है, क्योंकि ऐसा प्रमोशन आज तक किसी फिल्म का नहीं हुआ है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये दोस्तों कि आपने कहा कि अजय देवगन सर की फोटो कहाँ है, ट्रक की फोटो आपने लगा दी, अजय देवगन सर की फोटो नहीं है। तो दोस्तों, मैंने फिर से वीडियो आपके लिए बनाया और आपको ये बता दूं दोस्तों कि ये ट्रक नहीं है, केवल ये केवल ट्रक नहीं है, ये दोस्तों बोला कि कामयाबी का सफर है, बोला कि कामयाबी का एक पथ है जिस पर बोला निकल चुकी है। तो दोस्तों, अजय देवगन सर ने ट्रकों को मतलब झंडा दिखा करके रवाना किया, या आप देख सकते हैं कई तरह की तस्वीरें मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक छोटी सी इवेंट हुई, उसके बाद में अजय देवगन सर ने इन ट्रकों को रवाना किया है। आपको बता दूं, ये ट्रक देश के 9 शहरों में जाएंगे, जिनका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, जयपुर, भोपाल, इसके अलावा दोस्तों पटना है और दिल्ली है, लखनऊ है, सोलापुर है, ये मुख्य शहर है जहां से ये ट्रक गुजरेंगे। और दोस्तों, भोला फिल्म के बड़े बड़े पोस्टर लगे होंगे और ट्रेलर फिल्म का चलता रहेगा और फिल्म के गाने दिखाए जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत बड़ा प्रमोशन इस फिल्म का किया जा रहा है। और आपको ये भी बता दूं कि ये प्रमोशन है वो बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है, करीब 30 से 40 करोड़ लोगों तक ये ट्रक पहुंचेगा मतलब। और भोला फिल्म की क्या विशेषता है, किस प्रकार का इसका BGM है, किस प्रकार के इसके एक्शन सिक्वेंसेस 3D में शूट किए गए हैं, IMAX 3D में रिलीज होने वाली है, भगवान भोलेनाथ पर भोलेनाथ से प्रेरित किरदार अजय देवगन निभा रहे हैं, मतलब कि प्रेरित का मतलब उनके बहुत बड़े भक्त इस फिल्म में वो है, और वो जब माथे पे भस्म लगा लेते हैं तो फिर सामने वाले का पता चलने वाला नहीं क्या होने वाला है सामने वाले का। तो कितने खतरनाक डायलॉग है, कितना जबरदस्त रवि मसरूर का म्यूजिक है, कितने जबरदस्त इसके गाने। अभी तो जय बोला सॉन्ग आएगा, आज फिर जीने की तमन्ना वाला आने वाला है मंडे को, उसके बाद में दोस्तों एक सॉन्ग और है, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, जय बोला सॉन्ग हो गया, नजर लग जाएगी, हो जाएगा, ऑलरेडी रिलीज हो चुका, आज फिर जीने की तमन्ना, हाँ दोस्तों राई लक्ष्मी का आइटम सॉन्ग कैसे भूल गए हमें, बहुत ही बवाल होने वाला है, दीपक डोबरियाल का वहां पे एक डांस भी देखने को मिलने वाला है जबरदस्त, अभिषेक बच्चन का कैमियो है दोस्तों इसमें, तो कहती से बिल्कुल अलग है, बहुत जबरदस्त फिल्म होने वाली है। और ये जो प्रमोशन किया गया है, ये जो प्रमोशन किया जा रहा है यूनिक, आज तक किसी भी साउथ या बॉलीवुड की फिल्म का इस तरीके से प्रमोशन नहीं किया गया है। तो दोस्तों, अब इस फिल्म का जो बढ़ेगा, जो क्रेज बढ़ेगा, जो हाइप बढ़ेगी, आप सोचिए जब 30 करोड़ लोगों तक या 40 करोड़ लोगों तक ये ट्रक वहां से गुजरेंगे और भोला फिल्म का प्रचार होगा, तो आप सोचिए कितनी बड़ी बम्पर ओपनिंग इस फिल्म की हो सकती है। तो अभी तक का जो अनुमान था 20-25 करोड़ रुपए का, 25-26 करोड़ रुपए का अनुमान आ रहा था, मेरे हिसाब से अभी ये फिल्म डेफिनेटली उससे कहीं ज्यादा जाने वाली है, 35-40 करोड़ रुपए का मेरे को लगता है कि ओपनिंग लेगी। और जो ये कह रहे थे कि भोला फिल्म 250-300 करोड़ रुपए का लाइफ टाइम कलेक्शन कर सकती है, तो मुझे लगता है अभी ये 500 करोड़ का कलेक्शन करेगी, मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि 500 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन इसका लाइफ टाइम जाने वाला है। और पठान फिल्म का रिकॉर्ड अब ज्यादा दिनों तक रहने वाला नहीं है, मुझे लग रहा है अभी आज अगर इस तरह का ये प्रमोशन अगर पूरी तरह से सफल हो गया और ढंग से किया गया, तो दोस्तों अपने आप में एक यूनिक होगा, अद्भुत होगा, और एक भारतीय सिनेमा इतिहास में एक मिसाल के तौर पर इस प्रमोशन को याद रखा जाएगा। फिलहाल इतना ही, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।